हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मसाला चिकन की रेसिपी। तो हमने इसे कैसे बनाया है हम आपको आगे की वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। मैंने एक पेस्ट तैयार किया है प्याज, हरी मिर्च और गरम मसाला का। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक वैसे है तो आप उसका वैसे भी पेस्ट बना करके डाल सकते हैं। यहाँ पर हम ये बिरयानी मसाला डालेंगे। इसको डालने से हमारे चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप ये चिकन बिरयानी जो मसाला आता है इसको डाल करके बनाइएगा तो आपका जो चिकन है बहुत अच्छा बनेगा। मैंने यहाँ पर छौंक के लिए ये प्याज कट करके लिया है, ऐसे 2 सूखी लाल मिर्च और 2 से 3 तेज पत्ता लिया है और थोड़ा सा जीरा। पर हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था तो इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल, सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, तेज पत्ता और लाल मिर्च को भी डाल देंगे। जैसे ही हमारा तड़का हो जाएगा इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन गया है, इसमें हम पेस्ट डालेंगे जो हमने तैयार किया था और इसे अच्छे से पकाएंगे। इसे थोड़ी देर तक इसी तरह कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। तो अब हम यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। यहीं पर हम चिकन को भी साथ में डाल देंगे ताकि चिकन और जो मसाला है साथ में पकता रहे। अब हम इसे अच्छे से चला देंगे और इसे ढक कर के पकाएंगे कुछ देर के लिए। तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चिकन हमारा थोड़ा थोड़ा हो चुका है, तो इसे हम फिर से चला देंगे। तो अब हम इसमें वो जो बिरयानी मसाला था उसे हम ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो मसाला चिकन है बन करके तैयार है। तो अब हम इसमें ऊपर से धनिया डाल के सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।